हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाले हैं जहां पर आप पूरे का पूरा रिफ्रेश हो जाओगे। आपका वहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और आपको वहां पे होंगे असली प्रकृति के दर्शन। तो चलो आज हम चलते हैं हिमानी चामुंडा मंदिर, जो कि धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चामुंडा मंदिर के समीप ही है। धौलाधार पर्वत पर विराजमान ये हिमानी चामुंडा मंदिर की ट्रैकिंग एक गांव से शुरू होती है और उस गांव का नाम है बड़सर। अब ये आपको गांव मिलेगा कहाँ? आप अपना गूगल मैप ऑन कीजिए। गूगल मैप को ऑन करने के बाद आप सर्च कीजिए हिमानी चामुंडा और वहाँ पे आपको दिखेगा एक बड़सर गांव, जो कि मेन रोड से कुछ ही दूरी पर स्थित है। आपको वहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी है। 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये हिमानी चामुंडा मंदिर की जो ट्रैकिंग है वो है 9 किलोमीटर की, मतलब आपको लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद आपको जो नज़ारा दिखेगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा मनमोहित कर देगा। अब आपको हिमानी चामुंडा मंदिर की ट्रैकिंग कैसे करनी है, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए या फिर भी क्या क्या चाहिए, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पर मैं भी जा चुका हूँ और मैं नहीं चाहता जो दिक्कतें मुझे आई वो आपको भी आएँ। यदि आप हिमानी चामुंडा ट्रैकिंग करने के इच्छुक हैं तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, आपको यहाँ अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर भालुओं का खतरा काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। दूसरी बात, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा यदि आप अपनी ट्रैकिंग 8 बजे से लेकर 9 बजे या 10 बजे के बीच बीच ही करें, क्योंकि आप अपनी अगर सुबह ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो आप लगभग शाम तक पहुँच जाएंगे। यदि आप अपनी ट्रैकिंग दोपहर को करेंगे तो आप रात को पहुँचेंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी रात को ऊपर चढ़ने में। तीसरी बात, यदि आप खाने का सामान लेकर जाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप खाने का सामान नीचे से ही लेकर आएं, क्योंकि आपको ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी की बोतल से लेकर खाने का हर एक सामान, जंक फूड, फास्ट फूड या और अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो मसाले, चावल, दाल, हर एक सामान आपको नीचे से ही लेकर आना है। चौथी बात, यदि आप खाना बनाने के इच्छुक हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप नीचे से ही लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दें। अगर बाई चांस आपको ऊपर लकड़ियाँ ना मिलें तो आपने नीचे से शुरू की हैं इकट्ठी करना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपके पास लकड़ियाँ होंगी जिससे आप आग जला पाएंगे। और आग आप ज़रूर जगाइएगा क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी जिससे आपको आग की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। पांचवी बात, मैं आपको एक सलाह दूंगा, जब आप हिमानी चामुंडा मंदिर की ट्रैकिंग शुरू करने की सोच ही रहे हो तो आप जनवरी और दिसंबर में न आएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी इस ट्रैकिंग को पूरा करने में। आपको बस इन 5 बातों का ध्यान रखना है और चढ़ जाइए आप हिमानी चामुंडा मंदिर की ओर और देखिए आपको कैसा नज़ारा लगेगा। जैसा इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही नज़ारा लगेगा आपको हिमानी चामुंडा मंदिर से जब आप नीचे देखोगे। तो कैसा लगा आपको हिमानी चामुंडा मंदिर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।